क्वेश्चन 11 देखिए. इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं और उनका मीन 11 है, तो x की वैल्यू बता दीजिए. तो हमारी 5 ऑब्जर्वेशंस क्या है? 5 ऑब्जर्वेशंस आर, वो है हमारे पास x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8. ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है. जब हम मीन निकालते हैं तो कैसे करते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन. यानी कि मैं अगर मीन निकालूं तो वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 5. ये आ गया मीन. और जो मीन है वो हमारे पास दे किसके इक्वल रखा है? 11 की. आप इसे ऐड कर लो यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5x हो गया. और 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12, प्लस 8 इज 20 बाई 5. ये मीन हमने निकाल लिया. अब एक मीन क्वेश्चन में भी दे रखा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे कहें तो जो ये हमारा मीन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5x प्लस 20 बाई 5 इज इक्वल टू 11. इसको इधर ले गए, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 55. इधर ले जाओ, 5x इज इक्वल टू 55 माइनस का 20, ये हो गया आपका, दिस इज 35. 5 से 7 टाइम्स, विच इंप्लाइज जो x है हमारा वो क्या हो गया, दैट इज 7 हमारे पास आ रहा है. अप्रोच क्या फॉलो अप कर रहे हैं हम, कि सभी ऑब्जर्वेशंस का हमने क्या कर लिया, सम कर लिया और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड किया तो मुझे मीन मिल रहा है और मीन मुझे दे भी रखा है. तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया. और यहां पे मुझे जो एक्स की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रखी थी वो हमें यहां पर मिल गई है.